गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 2023 का आखिरी दिन, मतलब लास्ट डे ऑफ दिसंबर, साल का आखिरी दिन है क्योंकि कल से होने वाला न्यू ईयर। तो मैं, मम्मी, राहुल सब जा रहे हैं घूमने। उधर बैठा जोता क्या छुट्टी ऑफिस की, मम्मा ने छुट्टी ले ली है घर से। संडे है ना, सबकी छुट्टी आज, सबकी छुट्टी है, ठीक है। मतलब हमने घर के काम से भी छुट्टी ले ली है और हम सब जा रहे हैं, हम चारों घूमने निकले हैं। वो भी कहाँ पे? तिब्बत मार्केट। तिब्बत मार्केट, क्योंकि अभी ठंड है, एक डेढ़ महीने भी कुछ ना कुछ ठंड का सामान लिया जाए। और क्या खरीदारी करें बताओ, शादी की शॉपिंग तो हो चुकी है, खाई पी कर ली, जलेबी खा ली। जलेबी सबसे अच्छी लगती है सर्दियों में, गर्मा गर्म जलेबी निकल रही थी तो हमने ले ली फटाफट, वो खा ली। सैंडविच खा लिया, इनको पनीर वाली पसंद है इन्होंने पनीर खा लिया, हमें ग्रिल सैंडविच पसंद था हमने ग्रिल खा लिया। तो पेट पूजा हो गई है, मतलब हम घर से खा के आए थे पर फिर भी हमें देख के भूख लग गई, इसलिए हम फिर खाने चल दिए। और कुछ अच्छा लगे तो हम वहाँ पर भी खा लेंगे। शॉपिंग करना है और अभी सुबह सुबह का बहुत ट्रैफिक हम देख ही रहे हैं, तो चलो वहीं जाके सीधे मिलते हैं। तो हम आ चुके हैं झूलेलाल तिब्बत मार्केट मानसरोवर। अब करते हैं शॉपिंग, और जो एक दो और हमें पता थे वो तो बंद है क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जी। हाँ। तो इसलिए हम, हाँ ये फिक्स जगह है, हाँ ये क्या शॉप्स लगी हुई है ना प्रॉपर, वाली तो इशू नहीं है यहाँ पे। तो फटाफट खरीदारी करते हैं, देखते हैं क्या क्या लेते हैं यहाँ से। तो मम्मा का फोन आ गया, जीजू ने भी ज्वाइन कर लिया हमें, मम्मा और जोता कुछ खरीदारी कर रहे हैं। पिलाएंगे ना, यहाँ अच्छा नहीं मिल रहा ना। अच्छा ही है। तो शॉपिंग तो हो चुकी है, निकल चुके हैं, और भीड़ देखो आज ना, धूप है, मौसम अच्छा हो रहा है, बादल हो रहे हैं, ठंड पड़ेगी अब। तो शॉपिंग अच्छी खासी हो गई है, नहीं नहीं करते, मैंने भी कुछ ले लिया, हम सब ने ले लिया। हाँ, सब ने एक एक चीज लिया, चाहे कुछ ही लो, जो घर पे बैठे उनके लिए भी ले लिया। चुके हैं और अब हमने अपनी शॉपिंग बिखेरी है, ठीक है। हम क्या क्या लेके आए हैं, इन्होंने तो अपने कपड़े पूरे पहन लिए, इनका भी मैं दिखाऊंगी आपको। ये मम्मा का है, मेरी मम्मी जी की ड्रेस, ये मेरी स्वेटर है, कलर अच्छा है इसका, ये कलर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, पिंक तो मेरे पास था। दद्दू की कैप है भानु का, हाँ ये भानु के लिए मफलर है, मफलर है। ये है ज्योता की स्वेटर, इसकी जो है ये वाली चीज है, ये भी बहुत सुंदर है। ये मेरी है, ये मेरी मम्मा की है। Nice. ये इन्होंने टी शर्ट टाइप, जो शर्ट टाइप में डिजाइन होते हैं ना चेक्स में, वैसा इन्होंने जैकेट लिया है। ये इनका मफलर है और ये इन्होंने लोअर लिया है। बड़ा ही सुंदर लग रहे हो, अति सुंदर लग रहे हो। तो टाइम हो रहा है 7:48 और आज है साल का आखिरी दिन। अब तो दिन तो क्या, आखिरी रात ही बची है, अब तो आखिरी रात, कुछ चंद घंटे बचे हैं नए साल आने में। और मैं हो गई हूं रेडी फिर से ड्रेस चेंज, फिर से कोट तो वही है जो दिन में पहना था, बट मैंने ड्रेस चेंज कर ली है। ओके, और मैं और राहुल जा रहे हैं बाहर खाना खाने। हां, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है लाइफ में कि मैं बाहर जा रहा हूं न्यू ईयर पे। हां, मैंने और राहुल ने डिसाइड किया तो मैंने और राहुल ने डिसाइड किया कि हम दोनों चलो चलते हैं, क्योंकि थोड़ा मैं भी घर चली गई थी बहुत टाइम, एक महीने रह के आई, वही चल रहा है पीछे मेरे साथ, एक टाइम से एक महीने से टाइम स्पेंड नहीं कर पाए हैं। एग्जैक्ट मी टाइम स्पेंड करने हम बाहर चलते हैं। 32 डेज 11 hours and 58 minutes और सेकंड चल ही रहे हैं, देख लो आप। तो
ये जिन्होंने ब्लॉग नहीं देखा ना, इस साल का जो सबसे दुख दुख भरा ब्लॉग है ना, वो ये वाला है जो चल रहा है। कितने दिन गए सोचो आप, सोचो सोचो सोचो। चलो रेडी हो गए हैं, हम दोनों ही रेडी हो गए हैं। तो ये कुछ आउटफिट, कुछ इस तरह, इस तरह का आउटफिट हम दोनों का। हाँ। सिंपल सोवर, अब शूज पहनने बाकी है बस, वो घर के बाहर है। वो घर के बाहर है और इनका भी आउटफिट पूरा रेडी है, एग्जैक्ट रेडी। पर्स वगैरह लेके, फोन फोन वगैरह ले लिया, डाल लिया। ओके, इसको ऐसे भी टांग लेंगे। वाह निंजा, ऐसे भी टांग लेंगे, ऐसे पकड़ सकते हो, ऐसे पकड़ो। फोटो नहीं चाहोगे तो मैं ऐसे पकड़ूंगी, पोज मारने नहीं अच्छा लगता है ऐसे। गर्लिश पोज मारूंगी, गर्लिश पोज मारूंगी। ये वाला जो स्टॉल है ना, ये किड्स थाईलैंड से लेके आए थे और ये वाला भी थाईलैंड से लेके आए। ओके, टी-शर्ट जो है मैं इंपोर्टेड ही पहनती हूं। नाइस, न्यू ईयर पे तो मैं न्यू ईयर पे अगर इंपोर्टेड पहन रही हूं मतलब मैं पूरे साल इंपोर्टेड पहनूंगी। ये भी आज अगर मैं बाहर खाना खाने जा रही हूं मतलब पूरे साल बाहर खाना खाऊंगी। ये भी है, कुछ ऐसा सा है। तो 750 हो चुके हैं, चलते हैं बाहर। भीड़ तो अच्छी खासी मिलने वाली है, इतना मुझे पता है, इसलिए मतलब इतना थक गए ना बैठ के यार, खाना नहीं मिला, भूख लग रही है इनकी बात। रोज 7:30 बजे खाना खा लेते हैं और आज 8 बज चुके हैं, अभी तक घर ही है, अभी हम जाएंगे, ज्यादा लेट भी नहीं हुआ, पार करते हुए निकलेंगे ट्रैफिक को, फिर वहां जाके मेन्यू देखना, पसंद करना, फिर खाना 9:30 बजेंगे तो बाहर चलते हैं खाना खाने। आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो बस निकलने वाले हैं और इनके देखो भूख लग रही है ना, इतना इन्होंने परेशान किया ना, देर में मेरे को भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। और ह्यूमिडिफायर हमारा काम कर रहा बहुत तगड़े वाला, सच बता रहा हूँ। चले, टाइम हो रहा है 8:10, तो ज्यादा लेट नहीं हुए हैं, चलते हैं। आओ खाना चाहिए, अब जो भी काम करेंगे अगले साल करेंगे। देखो मेरा तो कुछ मन नहीं करने का, 2 दिन से मैं ऐसे ही मजे ले रहा हूँ। अगले साल, अगले साल, अगले साल, अगले साल। मम्मी कुछ बोलते हैं ये कुछ करना है, मैं नहीं, अगले साल देखेंगे। इस साल जैसे कोई है। जैसे कोई सच में एक साल बाकी पड़ा है, ऐसे नहीं एक ही दिन बचा है। बोलने में एक वर्ड, एक वो एक घंटों का ही है। हाँ, रस्ते में चल रहे थे अभी, ठीक है, वैशाली पहुंचे हम लोग और इनको, और राहुल ने मेरे लिए लव वाला बलून लिया है। ऐसा क्या? ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, इतना सारा प्यार है, और मुझे इससे बड़ा वाला बलून मिलेगा मैं वो वाला दूंगी कि ये मेरा प्यार है। हाँ जी, बट हमारे इसके चक्कर में दो बच्चों की लड़ाई हो गई, बच्चों की लड़ाई हो गई, दोनों जने बलून बेच रहे थे और मेरे को ये हार्ट वाला अच्छा लगा तो मैंने ये लिया। हाँ। और पर्पल वाला उसके मुंह पे फेंक के चला गया कि तूने मेरे वाले पैसे ले लिए। वही तो, दोनों आपस में लड़ने लग गए हमारे चक्कर में, ये वाली बात हुई है। अब जाके शांति मिली बेटू को? हाँ, मजा आ गया, अल्टीमेट। तो जगह चेंज, लोकेशन चेंज, और ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ मेरे को जो खाना था वो तो मिला नहीं, इसलिए अगर मैं कुछ और, पेट तो भर गया मेरा, तो कुछ और खा के आ गई, ठीक है, सही है। अब मुझे फिर कुछ जो मेरा वो खाना था वो यहाँ मिल जाएगा, मुझे पता है। और क्या खाना है आपको? मुझे साउथ इंडियन खाना, साउथ इंडियन बोले तो इटालियन और चाइनीज खाना, डोसा खाना इनको बात ही है। हाँ, ना वो टाइम हो गया, तो 2-3 महीने हो चुके हैं वो डोसा खाए, 2-3 महीने बहुत लेट हो गया था तो मिले नहीं था उस टाइम रात को। तक नहीं कर रहा मेरा तो भरा, और इनको तो एक कोल्ड कॉफी पी लेते, मैं कह रहा मैं तो फुल हो गया, बट मेरे को फिर भी मेरे को भूख लगी, नहीं अब भूख लगी मेरे को, काफी देर हो गई, स्मेल आ रही ना वापस, वापस स्मेल आ रही है, अब फिर से खाने जा रहे हैं। चलो कुछ खाते हैं, अब साउथ इंडियन मिल तो गया, देखो बना रहे हैं। तो चाय विद डोसा, ये कॉम्बो किसी ने नहीं देखा होगा, नहीं नहीं साउथ में पीते हैं, साउथ में जब मैं गया था ना भाई के पास गया था, मैं गया था मदुरई है ना, तो वहाँ पे कॉफ़ी देते हैं, चाय नहीं देते वो, सॉरी, हाँ कॉफ़ी देते हैं साथ में, और वो भी स्टील वाले कप में, हर बार खाना खा के ऊपर कॉफ़ी पीते हैं हाथों हाथों भी। तो यार चेयर खाली नहीं है अभी, आज क्या भीड़ लग रही है ना, इसलिए तो घुटने पर रख के खाना पड़ेगा। तो टाइम हो रहा है 10:37 और घर के पास है एग्जैक्ट, घर वाले होते हैं वो टाइम पे आ जाते हैं। हाँ जी, ये तो है। तो जैसे हमने हमारा क्या है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी हो गया एक तरह से। बोले थे हम कहाँ गए थे, डेट
डेट पे गए थे शादी के बाद मान लो लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस करी हुई चीज तो करनी चाहिए लाइफ में कभी। हाँ तो कैसा लगा? फैमिली के साथ तो गए हैं काफी बार डिनर पे, लेकिन हम दोनों पर्सनली डेट पे नहीं गए कभी। हाँ। इसी साल हमारी शादी हुई है तो मैं इसी साल हमने सोचा चलो डेट पे चलते हैं। हाँ, लास्ट डे को ही जाओ चाहे। हाँ। बट सेम सेम ईयर में गए हैं। पर एक चीज बतानी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, मतलब सेम ईयर हमने जो जो नहीं किया था ना वो सब कुछ कर लिया हमने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लेके हम आए केवल एक बलून लेके। सब न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हम बाहर भी जाके आ गए और 12 बजे घर वालों के साथ भी सेलिब्रेट कर लेंगे। देखो दोनों काम हो गए, है ना, ये अच्छी चीज है ना। हाँ, हाँ जी भाई, सर पे ओढ़ लेते हैं। ससुराल आ गया जी, ससुराल आ गया मेरा। हाँ जी, ह्यूमिडिफायर, I like it। अच्छा लगता है ऐसे मेरे को कैरी करना, मेरे को इशू नहीं है इसमें पहुंचना, तो मैं ऐसे फिर हुई है। मतलब इनका रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट भी है इनके, भी है मेरे दादे ससुर जी दोनों हैं। मतलब इनके ऊपर कोई बर्डन वाली चीज नहीं है, ये खुद से करते हैं बात, ये है मेरे को अच्छा लगता है। हां सबसे अच्छी चीज ये है, इनको रिस्पेक्ट वाली चीज है। कौन सा घूंघट में फिरना है तुमको, वही तो सर पे तोड़ लेना है, दैट्स इट। और क्या, तो हां घर पे आ चुके हैं, तो आप गेट खोल दो, मैं पार्क कर देता हूं। तो एग्जैक्ट बज चुके हैं 12 सभी को। और सभी को पी न्यू ईयर 2024 2024 में हम आ चुके हैं। 2024 में आपका प्रवेश होता है, ऐसे आ गया। लाइट शो हो रहा है पीछे यहाँ पे। ये वाली लाइट अच्छी लग रही है, पीछे वाली स्ट्रोब लाइट जो आ रही है ना। तो यार 3-4 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, अभी भी पटाखे बंद नहीं हुए हैं। हाँ पोल्यूशन क्या? हाँ अभी क्या, एक तो फोग है ना, फोग से लग रहा है, तो अभी तो फोग है। और इनको लग रही है ठंड भयंकर वाली, मैंने लाइट वाइट सारी बंद कर दी। ये ऐसे वाइब्रेशन मोड पे चले गए फोन की तरह। पहले म्यूट थी, अंदर बात करते हैं। तो अंदर आते ही सबसे पहले इन्होंने पहनी है टोपी, ये भी हम नहीं लेके आए थे वो वाली, है ना, वही है ना। हाँ जी, और रजाई में घुस चुके हैं। तो 2024 में स्वागत है जी आपका, वो भी टोपी पहन के। नई टोपी आई ना, सुंदर वाली तिब्बत मार्केट चलाएगी है। नहीं अच्छी है, तो मैं काम मना कर रहा हूँ, मैं इम्पोर्टेड पहनती हूँ आपको बताया। अभी घुस जाता हूँ अंदर, एक सेकंड। तो बाहर से कांपने लगी ठंड, ठंड कैसी है बाहर? जोरदार, ताबड़तोड़ ताबड़तोड़। मेरे नई नेल पेंट को बड़ी सुंदर लग रही है, आज लग रही है लेकिन कल बर्तनों से उतर जाएगी। ये बात है, ये बात है। तो न्यू ईयर के लिए क्या सोचा है आप? इनकी खूब सारी पिटाई। मेरी? पहले खिलाऊंगी खाना फिर पीटूंगी, खिलाऊंगी खाना पीटूंगी, और मैं क्या करूं बताओ। तो वंस अगेन, वंस अगेन हम दोनों की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों का शेयर करना, और यार चैनल पे आए हो तो अपने प्रेजेंट मार्क करो, हमको सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तभी तो हम टाइम टाइम आपको दिखेंगे, ऐसे कैसे आपको पता चलेगा हम वीडियो डाल चुके हैं? दिखना है क्या? हाँ अब दिखना है। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।